हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप लोगों को पगार बुक एप्लीकेशन का फुल रिव्यू करके बताऊंगा। और अगर आप भी पगार बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो तो आप भी अपने स्टाफ का अटेंडेंस ले सकते हो, और साथ ही में अटेंडेंस लेने के साथ साथ आप उनको सैलरी की सारी रिजल्ट हो गया, स्लिप हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोग पगार बुक एप्लीकेशन के द्वारा ही सब कुछ दे सकते हो और कर सकते हो। कब अटेंडेंस लेनी है, कब उनको सैलरी देनी है, ये सारी चीजें सब कुछ आप लोग ऑनलाइन पगार बुक ऐप से ही कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को मिल जाएगी लिंक, जहां से जाकर पगार बुक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करके अब सब कुछ आप लोग मैनेज कर सकते हो। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। हे एवरीवन, जब आप लोग फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो अभी आपके सामने पगार बुक एप्लीकेशन ओपन कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस देखो ओपन आती होती है। यहाँ पे आप लोगों को अपने उस मोबाइल नंबर को डालना है जो आप बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, जो भी आप बिजनेस के लिए यूज करते हो मोबाइल नंबर उसे भी डाल सकते हो, अदरवाइज कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे फटाक से एक मोबाइल नंबर को डाल लेता हूँ। तो जैसे आप मोबाइल नंबर कंप्लीट कर लेते हो 10 अंक का, तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलती है, इस पर आप लोगों को क्लिक करनी है। अब इसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को भी यहाँ पे डालनी होगी, जो कि 5 डिजिट अंक का जाएगा यहाँ पे ओटीपी। तो उस ओटीपी को हम लोग फटाक से भर लेते हैं, और साथ ही में वेरीफाई नंबर पर क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। अब आप देख सकते हो कि मैं पगार बुक एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ, और साथ ही में अकाउंट भी बना चुका हूँ। ऊपर में आप लोगों को देखने को मिलती है बिजनेस नेम, जैसे इस पर क्लिक करोगे एयर वाली बटन पे, तो अभी आप और भी बिजनेस को रन कर सकते हो। तो फाइनली इसे कैंसिल कर देता हूँ। व्हाट्सएप सपोर्ट मिलती है आपको पगार बुक ऐप में, साथ ही में अगर आप लोगों को पगार बुक ऐप चलाना नहीं आता और बच्चे सीखना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ वीडियोज़ पहले से अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। साथ में आप लोगों को ऐड स्टॉप पर क्लिक करके स्टॉप को ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने एक स्टॉप को ऐड करता हूँ, जैसा कि मैं अपना स्टॉप का नाम रखना चाहता हूँ मोहन सिंह। तो आपको यहाँ पे फुल नेम ही देना होगा, साथ ही मोबाइल नंबर भी उसका दे देना होगा, जो भी उसका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो उसका कॉन्टैक्ट्स में भी ऐड कर सकते हो। तो मैं उसे उसका नंबर भी दे दिया हूँ, साथ ही में गाइस यहाँ पे फुल नेम भी दे दिया हूँ। अब इसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर ऐड कर लेता हूँ। अब मुझे उसे मंथली सेलेक्ट देनी होगी, तो मंथली वाली सेलेक्ट करूँगा ऑप्शन। अगर मुझे पर हावर के बेसिस पर देना होगा तो पर हावर वाले बेसिस पर क्लिक करूँगा। डेली अगर सैलरी देनी है तो डेली पे क्लिक करूँगा। वर्क के बेसिस पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे उस पर उसके कामों पर देना, यानी जब भी वो काम करे तब पैसे देना है, तो वर्क बेसिस पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे उसे हर सप्ताह देना है, हर वीक देना है उसे पैसे, तो मैं वीकली वाले सेलेक्ट करूंगा। लेकिन मुझे तो मंथली उसे सैलरी देनी है, तो मैं मंथली का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। कंटिन्यू पे क्लिक जैसे ही करता हूं, यहां पे मंथली सैलरी उसे कितनी देनी है वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो यहां पे मैं उसे 25,000 सैलरी देता हूँ हर मंथ, तो मैं यहाँ पे 25,000 रुपीज़ लिख लिया हूँ। अब मुझे उसे कब सैलरी देनी है, तो मुझे जब भी देनी होगी तो मैं यहाँ पे जो कैलेंडर का ऑप्शन इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे उसे हर मंथ सैलरी देनी ही देनी है, लेकिन 1 तारीख को मैं दूंगा, इतना तो है। तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिया 1 मंथ, सॉरी गाइज, यहाँ पे मैं उसका डेट जो सेलेक्ट किया हूँ वो मैं सेलेक्ट किया हूँ 1 तारीख। तो 1 डेट को मैं उसे सैलरी पे करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब उसे एडवांस में मैं कितना दिया हूँ ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसा कि अगर मैं उसे एडवांस में पहले से ही 5,000 रुपीज़ दे दिया हूँ काम करने के लिए, तो मैं एडवांस में ही यहाँ पर लिख कर ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे उसे देना है अभी और भी पैसे, तो पेंडिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। लेकिन मुझे अभी पहले 5,000 रुपीज़ देकर आधा काम पहले करवा लेनी है, जब वो पूरा काम कर लेगा तब मैं उसे 20,000 और दूंगा। तो 25,000 रुपीज़ उसको देना ही देना है हर मंथ, तो मैं उसे पहले 5,000 दे देता हूँ, 20,000 रुपीज़ बाद में दूंगा जब काम वो कर लेगा। तो मैं यहाँ पर एडवांस में सेलेक्ट करके अमाउंट लिख दिया हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देख सकते हो वह जो स्टॉक का है बैलेंस वो यहाँ पे शो हो जाती है। तो अभी टोटल एडवांस में कितना दिया हूँ और कितना देना है ये सारी चीज़ शो हो जाती है। तो अभी फटाक्स में यहाँ पे टोटल एडवांस पे क्लिक करता हूँ। अभी आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे टोटल एडवांस में पेंडिंग है 833.33 रुपीज़, सॉरी गाइस, फिर इस पर क्लिक करते हैं। साथ ही में अक्टूबर क्लोजिंग बैलेंस 0 दिखा रहा है। नाउ पेमेंट्स यानी 5,000 रुपीज़ मैं दे चुका हूँ।
नवंबर का सैलरी, और नवंबर का सैलरी अभी 4166 रुपीज अभी गाइस देनी और है, तो अभी एडवांस में आप लोगों को शो हो ही जा रही है। साथ ही यहाँ पे अक्टूबर में मैं एक भी सैलरी नहीं दिया हुई है, तो आपको देखने को मिली जा रही है। यहाँ पे नवंबर का जो भी पेमेंट से देख सकते हो 5000 रुपीज, तो मैं उसे अभी दे चुका हूँ, और 4166 रुपीज़ अभी उसे देनी है। तो ये से आप लोगों को सारी चीज़ शो हो जाता है। साथ में गाइस करंट मंथ यहाँ पे शो हो जाती है। करंट मंथ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो करंट मंथ का या लास्ट मंथ का दोनों देख सकते हो। ऊपर में एक बोलते हैं अटेंडेंस, अटेंडेंस में आकर आप देख सकते हो कितने दिन वो प्रेजेंट है, कितने दिन वो एबसेंट है, कितने दिन हाफ आया है, हाफ डे काम किया है, ओवर टाइम कितना किया, लेट फाइन कितना किया, पेड हॉलीडे कितना किया, ये सारी चीज़ आप लोगों को शो हो जाती है। यहाँ पे करंट मंथ यानी लास्ट मंथ का और आज का भी देख सकते हो, तो ऐसे ही कुछ देखने को मिलती है। बैक आते हैं, जैसा देख सकते हो गाइस स्टाफ को यहाँ पे सर्च करने का बटन, जो आप स्टाफ का सर्च कर सकते हो, जो भी आपका स्टाफ है उसे आप सर्च कर देख सकते हो। यहाँ पे आप बहुत सारे स्टाफ को ऐड करना चाहो तो ऐड स्टाफ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। तो मुझे मोहन सिंह का देखना है सारा रिजल्ट, तो मैं मोहन सिंह पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे सैलरी स्लिप मिलती है। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ उसकी सारी सैलरी का स्लिप मिल जाता है, जो मुझे मैं उसे सेंड कर सकता हूँ या डाउनलोड भी कर सकता हूँ अपने फ़ोन में। ऐसा ही सब चीज़ देखने को मिलती है। समरी पे क्लिक करके आप समरी सारी उसे भेज सकते हो। फाइनली बैक आते हैं, साथ ही में उसको देखने को मिलती है ऐड पेमेंट, जो भी आप एडवांस में सैलरी दिए हो उसे आप यहाँ पे रख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और यू पेड यानी कितना उसे पैसा दे दिए हो ये सारी चीज़ें रख सकते हो, यू टुक यानी उस कितना देना बाकी, ये सारी चीज़ें लिख होकर आप सेव कर सकते हो। तो फाइनली आप करके देख ही लीजिएगा। साथ ही में अटेंडेंस मिलता है, अटेंडेंस मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो नवंबर का मंथ चल रहा है, नवंबर के मंथ में 5 डेज प्रेजेंट है, और साथ में सब में अपसेंट ही है, यानी सब में 0 दिखा रहा है, बस 5 दिन यहाँ पे प्रेजेंट दिखा रहा है। तो अगर वो वेडनेसडे को 4 तारीख को आया नहीं था काम पे, हाफ डे काम किया था, तो मैं यहाँ पे हाफ डे सेलेक्ट करूँगा। साथ ही में 3 तारीख को वो अब्जेंट था, तो मैं यहाँ पे अब्जेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। सारी चीज़ यहाँ पे शो हो जाती है। ऊपर में सेट अलार्म यानी अलार्म आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो आप लोगों को बार बार रिमाइंडर करती रहेगी। बैक आते हैं, साथ में मिलती है यहाँ पे ओवर टाइम का ऑप्शन, अगर वो ओवर टाइम काम करते हैं तो आप उसका ओवर टाइम कितना देर हो हावरली, तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं उसे ओवर टाइम देता हूँ 100 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ सेलेक्ट किया हूँ। हाफ डे यानी काम करता है तो मैं कितना देता हूँ, कितना दिन तक कितना देर तक काम कराता हूँ, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं उसे काम कराता हूँ जैसा कि मान के चलो 5 आवर्स मैं उसे काम कराता हूँ। अगर वह 5 आवर्स काम करने के बाद ओवर टाइम काम करता है तो मैं उसे कितना देना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी वो 5 आवर्स तक ओवर टाइम करने वाला है, तो मैं 500 रुपीज़ उसे दूंगा ही दूंगा। तो ऐड ओवर टाइम भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ऐड कर सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो टोटल बैलेंस उसे मैं इतना दे चुका हूँ, ये सारी चीज़ शो हो रही है। अब कितना देना बाकी ये भी शो हो जाती है। अलाउंस बोनस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अलाउंस बोनस सारी चीज़ शो हो जाती है, जैसे आप बोनस भी सेलेक्ट कर सकते हो और सारी चीज़ें फिलअप करके ऐड कर सकते हो। यहाँ पर डिडक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, जो आप लोग को डिडक्शन अमाउंट डालने के बाद नोट ये सारी चीज़ लिख कर इंटर डिडक्शन कर सकते हो यहाँ पर और ऐड कर सकते हो। साथ ही में लोन एंट्री पाता हूँ, अगर गाइस आपका स्टाफ आपसे लोन मांग रहा है तो आप उसे लोन तो दे दोगे, अगर वह कह रहा है कि आप पहले लोन दे दो, मैं जब भी काम करूँगा उनमें से आप कुछ पैसे काट दीजिएगा मेरे सैलरी में से, तो आप लोग को इंटर लोन पर क्लिक करनी है। जो भी आप लोन दिए उसे आप यहाँ पर रख सकते हो, जैसा कि मैं अपने स्टाफ को 10,000 रुपीज़ लोन दिया हूँ, और उसके सैलरी में से जो भी अमाउंट आएगा मैं उनमें से कुछ पैसे काटूँगा, जैसे कि 1,000 रुपीज़ हर मंथ से जब सैलरी आएगी उनमें से काटूँगा। तो ऐसे आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है वो रख सकते हो। ऐड लोन पे क्लिक कर देनी है, तो अभी देख सकते हो 10,000 रुपीज़ वह मुझसे लोन लिया है, और हर मंथ मैं जितना लोन काटना चाहूँ वह काट सकता हूँ। डिडक्ट लोन पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अमाउंट डाल दोगे, जैसा कि अभी वो 1,000
पैसा जो है अपने सैलरी से वह दे चुका है, तो डिडक्ट लोन पे आप लोग को क्लिक कर देनी है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट क्लियर, यानी 1000 रुपीज़ वह दे चुका है। ऐसे ही आप हमेशा जब भी पैसा दे दे तो डिडक्ट कर लेना लोन। अगर वह आपसे और भी लोन लेता है तो एंटर लोन पर क्लिक कर और भी लोन यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि वह मुझसे और भी उसे कोई ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा तो वह मुझसे 5000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा ले लिया है, तो ऐड लोन पर क्लिक कर और यहाँ पर चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। तो ऐसे ही आप लोगों को सारी चीज़ से होने वाली पगार एप्लीकेशन में। तो बैक आते हैं, यहाँ पे नवंबर की सैलरी शो हो जाती है, नवंबर का पेमेंट शो हो जाता है और साथ ही में ऐड प्रीवियस पेमेंट भी देखने को मिल जाती है, ऐसे सब चीज़ देखने को मिलते हैं। बैक आते हैं हम लोग, बैक आने के बाद मिलती है गाइज आप लोगों को यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन अटेंडेंस। तो अटेंडेंस में आने के बाद सारी अटेंडेंस आप देख सकते हो कि अगर आप अपने स्टाफ का अटेंडेंस लगाना चाहते हो यहाँ पर आपको सारे स्टाफ से हो जाएंगे। तो अगर वो आज का लगाना चाहते हो अटेंडेंस तो आप लगा सकते हो, जैसे अगर मोहन सिंह आज आया है तो मैं प्रेजेंट का यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया हूँ, अगर आज आता नहीं है तो मैं अब्जेंट का भी लगा सकता हूँ अटेंडेंस। अगर आज आता है लेकिन हाफ डे काम करता है तो मैं हाफ डे का जो अटेंडेंस है उसे मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। वैसे आप अपने सारे स्टाफ का अटेंडेंस भी लगा सकते हो। बैक आते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर के ऑप्शन पे आते हैं, हायर के ऑप्शन पे। हायर के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूँगा तो आप अगर अपने कई सारे स्टाफ को और हायर करना चाहते हो तो हायर कर सकते हो। जॉब पोस्ट पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आप जो भी काम के लिए बुलाना चाहते हो उसे आप रख सकते हो। जैसा कि गाइस मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए बुलाना चाहता हूँ तो एडवर्टाइजिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, साथ ही में एडवर्टाइजिंग के लिए मैं उसे बुलाना चाहता हूँ और उसे सैलरी मैं दूंगा 1000। तो मैं 1000 से यहाँ पर लिख दिया हूँ और साथ में उसका जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है उसे आप रख सकते हो। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, साथ ही में आपको गाइस ऊपर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, साथ ही में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो, अपने बिजनेस का नाम और एड्रेस को ये सारी चीज़ फिलअप कर नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। अभी आपके सामने यहाँ पे शो हो जाए कि आपके पास एक पोस्टर बन के आ जाएगी, रेडी हो चुकी है, देख सकते हो एडवर्टाइजिंग का काम है और जो भी डिस्क्रिप्शन की वो यहाँ पर शो हो जाएगी और मैं उसे मंथली 1000 रुपीज़ दूंगा अगर वो काम करता है एडवर्टाइजिंग का। तो ऐसे ही आप शेयर जॉब पर क्लिक कर किसी के पास शेयर कर सकते हो और उसे हायर कर सकते हो। फोर्थ नंबर का ऑप्शन पर आते हैं, प्रोफाइल। प्रोफाइल के ऑप्शन में आप लोगों का नंबर और सारी चीज़ शो हो जाएंगे, साथ में आप लोगों को सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर शो हो जाती है मंथली कैलकुलेशन, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ अगर आप 31 डेज़ को या 30 डेज़ को 1 मंथ मानते हो तो ये वाली ऑप्शन सेट कीजिएगा। अगर हर 30 तारीख को हर 30 डेज़ को आप लोग 1 मंथ मान लेते हो तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं हर 30 डेज़ को 1 मंथ मानता हूँ तो ये दूसरे वाला ऑप्शन को सेलेक्ट किया हूँ, सेव पे क्लिक कर दिया हम। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिलती है, सिक्योरिटी पासवर्ड लगा सकते हो और जो भी बिजनेस रन करते हो वह आप लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आई होप आप सभी लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। जो भी सारी चीज़ें बतानी थी पगार बुक एप्लीकेशन से रिलेटेड वह सारी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताया हूँ पगार बुक ऐप को, जिसके जरिए गाइज आप अपनी स्टाफ की सारी चीज मैनेज कर सकते हो। कब उनकी अटेंडेंस देनी है, किस दिन वो आए थे काम पे, कब उनको सैलरी देनी है, मंथली सैलरी स्लिप भी आप ले सकते हो जब जब आप उनको सैलरी देना चाहते हो। ये सारी चीजें गाइज आप लोग मैनेज कर सकते हो पगार बुक ऐप से, और पगार बुक ऐप से आप लोग एनालिटिक्स रख सकते हो अपनी स्टाफ की। आप चाहो तो यहाँ पे गाइज एक पोस्टर भी बना सकते हो किसी बंदे को हायर करने के लिए अपने बिजनेस में, और भी कई सारी चीजें मिलते हैं। तो ये सारी चीज आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों को बता भी दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके आपसे शेयर कीजिएगा, मुझे जाकर इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।